साहब परसों नेगोशिएशन के अंदर मैं तो वेट कर रहा था कि एसपी साहब अभी आएंगे, उनसे बात करेंगे हम यहाँ पर, उनसे यहाँ से एड्रेस करवाएंगे, लेकिन आज एसपी साहब नहीं है। वो नाक नाक करके जो है बीसी साहब ने परसों क्या बोला कि लाइब्रेरी की टर्म इमीडिएट इफेक्ट से पुराने टाइम से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कल क्या होता है कि जब 5 बजे लाइब्रेरी बंद करने जाते हैं, हमने सिक्योरिटी वालों को बोला आप कुछ मत करिए, हमने लाइब्रेरी के स्टाफ को बोला आप कुछ मत करिए, हमने बोला सिर्फ डीएसपी साहब से हमारी बात करिए कि एक बार उनसे हम बात करते हैं, हमारा जो नेगोशिएशन हुआ है तो किस तरीके से पल्ला झाड़ लिया। डीएसपी साहब बोलते मैंने बात नहीं करनी तो फिर तो हम भी तैयार है, राजो देख लेगा किसकी बाजू में कितनी ताकत है। मिसाल देते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की, वो मिसाल कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है कि हर कोई आएगा तोड़ के लेके उसको चला जाएगा। ये ताकत है इन छात्रों की जो आज एडमिशन लेके डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये ताकत है इन छात्रों की जो आज एंट्रेंस की तैयारी करने आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आज ये खतरा इतना बड़ा है कि अगर ये कुलपति यहाँ पर रहा तो आने वाले समय के अंदर इस विश्वविद्यालय का भंटादार जरूर है। साथियों, विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से उसे जाना जाता है, पर आज सच में बीइंग एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, ये जो मैं बात कह रहा हूँ मैं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे नहीं कह रहा, ये मैं सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कह रहा हूँ, उसके अंदर एनएसयूआई है, उसके अंदर एबीवीपी है, उसके अंदर एसएफआई है, कि आज एक माफिया हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कौन है? वो शिमला शहर का माफिया, शिमला शहर के अंदर जितने अपराध होते हैं उस सबको संरक्षण देता है वो माफिया, शिमला शहर के अंदर लड़कियों से जितने छेड़छाड़ होते हैं उस सबको संरक्षण देता है वो माफिया, जिसने खुद कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखी, आज वो इसी के अंदर बैठ के ये तय करेगा कि हमें पीएचडी के अंदर कैसी नीतियां चाहिए। ये आज लेवल विश्वविद्यालय का यहाँ पर रह चुका। दूसरा, एक ऐसा विधायक जो सेकंड ईयर में 2 बार फेल हो गया, अगर एमपीएड और एमए फिजिकल एजुकेशन के बीच उसको डिफरेंस करने को बोलेंगे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे कि एमए फिजिकल एजुकेशन चाहिए तो बोलता है, हमने कहा सर एमपीएड शुरू करो, पहले से तो चल रहा है एमए फिजिकल एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया का 1% भी नहीं समझ सकता, आज वो लोग हमारी इसी के अंदर बैठे हैं, लेकिन आज वो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट जो हर साल 190, 192, 200 स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर छात्र समुदाय का नाम रोशन कर रहा है, वो JRF स्टूडेंट, आज उनका कोई रिप्रेजेंटेशन इसी के अंदर नहीं है। क्या ये खामियां नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला नहीं? क्या ये तानाशाही नहीं? आज बात की जाती है कि SCA को भंग किया गया, 3 साल से कंटिन्यू भंग किया गया, तो साथ बहुत सारे पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हो गए उस 2008 वाले हादसे के दिन, जब ये कैफेटेरिया की दीवारें नहीं लगी थी, यहाँ पर क्लैश होती है इस मोड़ पे, और उस वक्त जो DSP भगत सिंह थे उन्होंने भी चौक पे गोलियां चलाई थी, उस वक्त भी SCA बंद नहीं हुई। नीचे जो अब गर्ल्स हॉस्टल है ये हॉस्टल, उसके अंदर आग लग गई थी, पूरा हॉस्टल जल गया था, पूरा लाठीचार्ज हुआ था, तब वहां पर SCA बंद नहीं हुई थी। ये जो बॉयज हॉस्टल है उसके पूरे के पूरे कमरे पूरे की पूरी दीवारें तोड़ दी थी, उस वक्त SCA भंग नहीं हुई थी। आज क्या होता है कि थोड़े से युवा कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लोग आके घूरते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, उनसे क्लैश थोड़ा सा होता है तो SCA ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आज ये समझना जरूरी है कि यह सिर्फ इन 3 वर्षों के अंदर हुआ है, जब ट्रेडियर वार्डपर ने यहाँ पर सत्ता संभाली है तब से स्टूडेंट भी हराश है। अगर कर्मचारियों का हाल ऊपर देखा जाए, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी स्थिति भी दयनीय हुई है, टीचरों से किसी से भी आर्ट फैकल्टी से लेते हुए, लॉ से लेते हुए, साइंस से पूछिए, उनकी स्थिति भी बहुत बदतर है। और सच में मैं कहूं, ये जो पुलिस यहां पर खड़ी है अगर इनसे अलग अलग करके पूछा जाए तो खुद कहेंगे कि हमारी स्थिति भी बदतर है। विश्वविद्यालय की हो चुकी है, ना विश्वविद्यालय के पास पैसा बचा है छात्रों पर खर्च करने के लिए, ना रिक्रूटमेंट के नाम पर नया स्टाफ रिक्रूट हो रहा है, ना छपा सिपाही एक आम मजदूर घर से वास्ता रखने वाला ये मेरा भाई, हम जानते हैं इतनी हैरानी के साथ इस खेत को देखने की जरूरत नहीं है, 25 लाख का नहीं है लेकिन कागजों में 25 लाख खर्च किए गए हैं। ये सेंसर नहीं लगे हैं,
इधर जो रात को चौकीदार साथी रहता है उसे मालूम है कि शीशे फटे हैं, हवा आती है। ये बात मेरे से पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि ये विश्वविद्यालय के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है।